प्रिय शिक्षार्थियों, मैं कौमुदी शुक्ला, यूपी राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से आज आपके समक्ष आपका जो व्याख्यान माला हमारे साथ चल रहा था उसी का जो आपका पेपर कोड है बीएड एसई 02 के का जो टाइटल है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, उसका जो ब्लॉक वन है फिलोसफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, जिसकी यूनिट टू में हम डिफरेंट डिफरेंट फिलॉसफीज ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे थे, जिसमें हमने आइडियलिज्म पढ़ा था, नेचुरलिज्म पढ़ा था, प्रैग्मेटिज्म पढ़ा था, रियलिज्म पढ़ा था, और अभी लास्ट में हमने एग्जिस्टेंशियलिज्म और ह्यूमनिज्म ख़त्म किया था। अब उसी कड़ी में हम इस फिलॉसफीज ऑफ एजुकेशन की यूनिट को ख़त्म करते हुए कंस्ट्रक्टिविज्म और कनेक्शनिज्म जो लास्ट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करी जाए। कंस्ट्रक्टिविज्म को हिंदी में संरचनावाद भी कहा जाता है। ये बहुत ही आधुनिक जो है, जो आपकी ये कंस्ट्रक्टिविज्म है या जो कनेक्शनिज्म है, ये बहुत ही आधुनिक विचारधाराएं हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वैसे तो इसका फादर जो माना जाता है, क्योंकि आपने साइकोलॉजी में भी आपने कंस्ट्रक्टिविज्म की बात पढ़ी होगी, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग की बात पढ़ी होगी, तो यहाँ पर जो है जो फादर माने जाते हैं, जो इसके प्रोपाउंडर माने जाते हैं, वो आपके जीन विलियम फिट्स प्याजे जी माने जाते हैं, जिनका जन्म 1896 में हुआ था और लगभग 1980 में इनकी मृत्यु हुई थी। फिर उसके बाद में इसके कुछ, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म जो विचारधारा थी वो डिफरेंट जो है ब्रांचेस को लेकर के आगे चली, तो जिसमें इंडिविजुअलिस्टिक जो कंस्ट्रक्टिविज्म था उसको प्याजे जी ने अच्छे तरीके से बताया था। फिर आप लीव वाइगोस्की जी का नाम सुनते हैं प्याजे जी के जस्ट बाद में, वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। फिर उसके बाद में आपने ग्लासेफेल्स का नाम सुना होगा जो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। फिर उसके बाद में आपने ब्रूनर का पढ़ा होगा जो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते थे। तो इस तरीके से आपने ये जो डिफरेंट सब ब्रांचेस थी उसकी भी मैंने यहाँ पर आपको बात बता रखी, क्योंकि कई बार ये एग्जाम्स में पूछा भी जाता है आपसे। और जो और भी बहुत सारे ऐसे भी इन्फ्लुएंशियल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, उनका नाम भी नीचे दे रखा है, जैसे आपका जॉन डीवी जी थे, मरियम मॉन्टेसरी जी थी, फिर उसके बाद में आपके फॉस्टर थे, जॉर्ज केली थे। ठीक है, तो ये हमने एक इसके प्रोपाउंडर का लिस्ट देख लिया। फिर उसके बाद में जो इसका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन है, वैसे तो प्याजे जी को इसको फादर या प्रोपाउंडर माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक वर्क था आपके जीएम बटिस्टा वीकोप जी का, जो 18th सेंचुरी के अराउंड इन्होंने कुछ ऐसा कहा था जिसको समझ लीजिए कंस्ट्रक्टिविज्म का एक बैकबोन माना जाता है। तो इन्होंने क्या कहा था कि ह्यूमंस कैन अंडरस्टैंड ओनली व्हाट दे हैव देमसेल्व्स कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, यानी ह्यूमन सिर्फ उसी को समझ सकता है जो उसने खुद से कंस्ट्रक्ट किया हो। कंस्ट्रक्ट का मतलब है उसने खुद से, उसमें अगर कोई भी एक्सपेरिमेंटेशन किया होगा या फिर उसमें उसने कुछ अपना जो क्रिएटिविटी है उसको लगाया होगा, तभी वो उस चीज़ को समझ सकता है। तो ये इस चीज़ की बात इन्होंने भी की थी, तो ये एक समझ लीजिए बेस माना जाता है। हालांकि ये कभी एग्जाम से पूछा नहीं जाता, प्याजे जी को ही पूछा जाता है, तो आप उसी पे फोकस करिएगा, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में लेटर ऑन जॉन डीवी, द फेमस एजुकेशनल प्रैक्टिशनर एंड फिलोसोफर, एम्फसाइज द रोल ऑफ एक्सपीरियंस इन एजुकेशन बाय एसर्टिंग दैट एजुकेशन इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग कॉन्टिन्यूस रिकंस्ट्रक्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। ठीक है, जो एक कॉन्स्टेंट फ्लक्स की बात कही गई है कि जैसे जैसे चीज़ें चेंज होती रहती हैं, वैसे वैसे ही हम अपने एक्सपीरियंसेस को रिकंस्ट्रक्ट करते रहते, तो इसकी बात आपके जॉन डीवी जी ने कही थी। फिर उसके बाद में जीन प्याजे जी आए। जीन प्याजे ने बोला कि जो मुझे लगता है इनका नाम सभी जानते होंगे, एपिस्टेमोलॉजी में इनका नाम बहुत ही ज़्यादा जो है फेमस है, जिन्होंने जो चाइल्ड था उसको एक मिनी इन्वेंटर भी बताया था कि वो बहुत मिनी डिस्कवरर है, जो अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उन्हीं को मैन्युपुलेट करके, यानी उन्हीं पे एक्सपेरिमेंटेशन करके, और उसके बाद में सोसाइटी को समझने की कोशिश करता है, या अपने आसपास की जितनी भी चीज़ें उनको समझने की कोशिश करता है। जैसे आपने देखा भी होगा कि छोटे बच्चे के अंदर इतनी ज़्यादा, उन्होंने यही कहा था कि बच्चे के अंदर सिर्फ क्यूरियोसिटी होनी चाहिए और दूसरा उसका एक्टिविटी का पार्ट उसके अंदर होना चाहिए, उसी के थ्रू वो पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करने की अपने अंदर जो एक कैपेबिलिटी रखता है। तो उन्होंने ये सारी बातें कही थी। तो यहाँ पर देखा भी जा रहा है कि यहाँ पर देखिए दिया हुआ है टू पुट अप हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग
by the notion like cognitive structures, assimilation, equilibration. इन्होंने कुछ टर्म्स दिए थे, मैं आपको बता देती हूँ, जैसे इक्विलिब्रेशन, डिसइक्विलिब्रियम और उसके अलावा एसिमिलेशन और अकोमोडेशन. ये इनके जो समझ लीजिए थ्योरी के जो प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट्स थे, स्कीमास की बात इन्होंने कही थी. इन्होंने कहा कि दो ही टाइप से नॉलेज को एक्वायर किया जाता है, एक तो एसिमिलेशन के थ्रू और दूसरा अकोमोडेशन के थ्रू. यानी इन्होंने कहा कि जो मेमोरी है उसको एक स्कीमा बताया, स्ट्रक्चर बताया कि कोई भी जैसे छोटा सा बच्चा है तो वो क्या करता है कि छोटी छोटे स्कीमाज उसके, क्योंकि शुरुआत में बच्चा इतना कुछ जान नहीं रहा होता, पूरे वर्ड को नहीं जान रहा होता, जैसे उसके सामने मान लीजिए कुत्ता आया है, तो वो क्या करता है कि उस कुत्ते का एक स्कीमा उसने, मतलब उसकी मम्मी ने बताया कि ये डॉग है, ये ऐसे, इसके चार पैर होते हैं, ये ऐसे बोलता है, वो सारा उसने एक स्कीमा बना लिया और उसी स्कीमा को लेकर के वो आगे बढ़ता है. अब क्या हुआ कि जब वो आगे चला तो मान लीजिए उसको बिल्ली दिखाई पड़ गई. अब क्योंकि बिल्ली भी उसी टाइप की है, लेकिन फिर उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा ये दूसरी तरीके से बोलती है, इसके भी चार पैर होते हैं, लेकिन ये इस टाइप की है, वो उस टाइप की है, दोनों में डिफ्रेंसिएशन एक दिया. तो क्या है कि अब वो या तो जो एक डॉग का जो स्कीमा है या फिर उसको वो बिल्कुल मॉडिफाई करे और एक दूसरा स्कीमा बनाए बिल्ली का, ठीक है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि उसी एग्जिस्टिंग स्कीमा में वो कुछ चेंजेस करके और उसको वो अपने अंदर मतलब फिर से उस चीज़ को अपने अंदर एक्यूमुलेट करता है. एसिमिलेशन में क्या है कि वो जो नई नॉलेज है उसी को, जो अपना एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसी में फेर बदल करके उसी में एडजस्ट करने की कोशिश करता है. और दूसरा जो आपका मॉडिफिकेशन है उसमें वो क्या करता है कि एक स्कीमा तो उसका डॉग का है ही, लेकिन वो उस स्कीमा को छोड़ करके एक दूसरा स्कीमा बना लेता है कि ये बिल्ली है, बिल्ली दूसरी तरीके की होती है, उसके दूसरे फीचर्स हैं, वो एक दूसरा स्कीमा जो डेवलप कर रहा है जिसमें एक समझ लीजिए एक मॉडिफिकेशन हो रहा है, चेंज इन स्कीमा हो रहा है, तो उसको आपका मॉडिफिकेशन कहते हैं, ठीक है. तो इस तरीके से अडाप्टेशन और मॉडिफिकेशन दो चीज़ें इन्होंने बताई प्याजे जी ने. और इन्होंने कहा कि ये सब क्यों बनता है, जैसे आप कभी इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम की बात इन्होंने कही कि इन्होंने कहा कि जब आप जैसे कभी क्वेश्चन जैसे किसी एग्जाम सेंटर पे आप बैठे हुए हैं, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो आप उस समय डिसइक्विलिब्रियम की स्थिति में आ जाते हैं. और जब आपको उसी क्वेश्चन का आंसर कोई टीचर बता देता है या आप घर में आके पढ़ लेते हैं, तो आप फिर इक्विलिब्रियम में आते. तो डिसइक्विलिब्रियम लीड्स टू सर्च ऑफ नॉलेज, ठीक है. तो ये इन्होंने बात कही थी कि डिसइक्विलिब्रियम की वजह से ही जो बच्चा है वो नॉलेज की सर्च में आगे बढ़ता है और वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में ही जा करके अपने आप को संतुष्ट महसूस करता है. तो इस टाइप के इन्होंने कॉन्सेप्ट्स दिए थे, तो यहाँ पर दे रखे हैं, आप देख सकते हैं. फिर अर्ली एजुकेशनल फिलोसफीज डिड नॉट प्लेस मच वैल्यू ऑन व्हाट वुड बिकम कंस्ट्रक्टिविस्ट आइडियाज. चिल्ड्रंस प्ले एंड एक्सप्लोरेशन वॉज सीन एज एमलेस एंड ऑफ लिटिल इम्पॉर्टेंस, ठीक है. जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो बेसिकली इसी पे फोकस करता है कि चाइल्ड क्या चाहता है, ठीक है, चाइल्ड कैसे एक्सप्लोर करेगा, ठीक है. तो इस तरीके से वो कहता है कि टीचर को हमेशा बैक में होना चाहिए और वो बच्चे को एक्टिव रोल में रखे, रादर देन पैसिविटी उसको एक्टिव रोल में रखे कि वो अपने अराउंड जो नॉलेज है उसको एक्टिवली जो है कंस्ट्रक्ट कर सके. जीन पियाजे डिड नॉट एग्री विद दीज ट्रेडिशनल व्यूज, हाउएवर ही सॉ प्ले एज एन इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड प्रोवाइडेड साइंटिफिक एविडेंस फॉर हिज व्यूज, ठीक है. जीन पियाजे जी का आप जब पूरा वर्क देखेंगे, उन्होंने खुद के बच्चे पे ही एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की थी, तो आप वहाँ पर देखेंगे कि वो जो है यही चीज़ बोलते हैं हमेशा कि बच्चा खुद से ही चीज़ों को अपने प्ले के थ्रू या जिस भी तरीके से जो भी उसका थॉट प्रोसेस है स्कीमा के डेवलपमेंट के थ्रू, वो क्या करता है अपनी वर्ड को जो है समझने की कोशिश करता है. और टुडे कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज आर इन्फ्लुएंशियल थ्रू आउट द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग सेक्टर्स, ठीक है. जितने भी फॉर्मल लर्निंग सेक्टर्स है या इनफॉर्मल लर्निंग सेक्टर्स है वहाँ पर कॉग्निटिव जो कंस्ट्रक्टिविस्ट जो लर्निंग है उसको जो है बहुत ही ज़्यादा फोकस में लिया जाता है, ठीक है. तो यहाँ पर आपका थ्योरी जो दे रखी है वो भी बता रखा है कि एकोमोडेशन जो मैंने आपको बताया था अभी और असिमिलेशन, इन्हीं के थ्रू क्या है न्यू नॉलेज या फिर न्यू एक्सपीरियंसेस को बच्चा कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है. तो आप एक वो चीज़ समझ लीजिए कि एसिमिलेशन क्या है और एकोमोडेशन क्या है. एसिमिलेशन का मतलब है कि
जो पुराना स्कीमा है उसी में एडजस्टमेंट करके हम नई नॉलेज को किसी तरीके से उसी में एडजस्ट कर दें, और आपका जो अकोमोडेशन है वो बिल्कुल मॉडिफाई करना उस प्रायर स्कीमा को, ये होता है। फिर कंस्ट्रक्टिविज्म फिलॉसफी क्या कहती है कि इट इज अ फिलॉसफी ऑफ लर्निंग, लर्निंग इज अ सर्च फॉर मीनिंग, मीनिंग रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग अ होल एज वेल एज पार्ट्स, यानी ये हर चीज को जानने की कोशिश करती है कि होल क्या है, पार्ट्स क्या है। आपने शायद अगर पढ़ा होगा कोल्ब का मॉडल, तो यहाँ पर क्या कहा जाता है कि होल को भी समझना, यानी जो समग्र है उसको भी समझना। आपने इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग में ये पढ़ा होगा कि होल से पार्ट्स पे जाना, पार्ट्स से होल पे जाना, या फिर जनरल टू स्पेसिफिक या स्पेसिफिक टू जनरल, आपने ये सब चीज़ें पढ़ रखी होंगी। तो यहाँ पर जो है यही बताया गया है कि जो होल है उसको भी जानना ज़रूरी है और पार्ट्स को भी जानना ज़रूरी है, यानी एनालिसिस और सिंथेसिस दोनों की बातें कर रहा है। फिर द पर्पज ऑफ लर्निंग इज फॉर इंडिविजुअल टू कंस्ट्रक्ट हिज और हर मीनिंग, नॉट जस्ट टू मेमोराइज समथिंग, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविस्ट यही चाहते हैं कि सिर्फ रोट लर्निंग ना हो, यानी सिर्फ ये मगअप ना हो नॉलेज का कि हमने कोई भी चीज़ पढ़ी और उसको हमने एज इट इज मेमोराइज कर लिया, ठीक है। बल्कि वो ये कहते हैं कि हम उसकी ऑपरेशनल टर्म्स को जाने, ठीक है, हम उसका ऑपरेशन करें, हम उसको एक्सपेरिमेंट करें, हम उसको मैनिपुलेट करें, और उसके बाद में अपने मैनिपुलेशंस के थ्रू हम उस नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें। करिकुलम में क्या कह रहा है, एलिमिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड करिकुलम, जो भी एक स्टैंडर्ड करिकुलम है उसके एलिमिनेशन की ये बात करते हैं, और बोलते हैं कि करिकुलम शुड बी कस्टमाइज टू स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज, ठीक है। यानी यहाँ पर फोकस किया जाता है कि बच्चे का प्रायर जो अंडरस्टैंडिंग है, यानी जो बेस है उसके नॉलेज का, उसको भी फोकस में रखना है। फिर वो कैसे हैंड्स ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को यूज़ करते हैं उसको भी ये फोकस करते हैं, ठीक है। तो करिकुलम ये यही कहते हैं, कोई एक सेट स्टैंडर्ड करिकुलम नहीं होना चाहिए, बल्कि एक इंडिविजुअलिस्टिक करिकुलम होना चाहिए जिसमें हम बच्चे की एक्टिविटी को भी प्रमोट कर सकें, और उसके साथ ही साथ उनका जो भी नॉलेज का एक जो मतलब जैसे जो प्रायर नॉलेज है और जो करंट नॉलेज है उसके बीच में एक लिंकेज बनवा सके कि पास्ट नॉलेज में क्या है, और उसी से हम कनेक्ट करके नई नॉलेज को उनके सामने प्रेजेंट करें। इंस्ट्रक्शन में देख लीजिए, एजुकेटर्स फोकस ऑन मेकिंग कनेक्शंस बिटवीन फैक्ट्स एंड फॉस्टरिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग इन स्टूडेंट्स। इंस्ट्रक्टर्स एनकरेज स्टूडेंट्स टू एनालाइज, इंटरप्रिट एंड प्रिडिक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इंस्ट्रक्टर यानी जो टीचर है उसको ऐसा होना चाहिए कि वो बच्चे के अंदर जितनी भी जो हायर कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं, एनालिसिस करना, सिंथेसिस करना, प्रिडिक्शन करना, इन सब चीज़ों को वो प्रमोट कर सके, ठीक है। ये जितनी भी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं उनको प्रमोट करना, ये इंस्ट्रक्टर का काम है, ठीक है। तो इसीलिए वो यहाँ पर आपको दे रखा है। फिर टीचर्स रिलाई हैवली ऑन ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड प्रमोट्स एक्सटेंसिव डायलॉग अमंग स्टूडेंट्स, ठीक है। टीचर को रिलाई करना चाहिए ओपन एंडेड क्वेश्चंस में, ठीक है। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड का मतलब क्या है, क्लोज एंडेड समझ लीजिए कि जैसे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको सेट आंसर्स दे रखे हैं, उन्हीं में से आपको टिक करना है। ओपन एंडेड क्या है, जैसे सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपने एकदम फ्री कर दिया बच्चे को कि आपका जो भी मन करे, क्योंकि उसी में वो अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकता है, ठीक है। जब मल्टीपल चॉइस दे दिया तो वहाँ पर वो बच्चा अपना कोई व्यू या अपनी कोई जो भी थिंकिंग है उसको नहीं वहाँ पर रिफ्लेक्ट कर सकता। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब आपने सब्जेक्टिव प्रश्न दिए एसे टाइप या डिस्क्रिप्टिव, तो वहाँ पर क्या है, वो अपनी क्रिएटिविटी को भी जो है दिखा सकता है। फिर असेसमेंट के बारे में क्या कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म कॉल्स फॉर एलिमिनेशन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग एंड ग्रेड्स। जैसे इन्होंने स्टैंडर्ड करिकुलम को एलिमिनेट करने की बात की है, वैसे ही इन्होंने स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग और ग्रेडिंग सिस्टम को भी एलिमिनेट करने की बात कही है। इंस्टेड असेसमेंट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस सो दैट स्टूडेंट्स प्ले अ लार्ज रोल इन जजिंग देयर प्रोग्रेस। बल्कि ये कहते हैं कि बच्चे को ही ऐसा अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो खुद से ही अपने वर्क को इवैल्यूएट कर सके। तो इस टाइप की बात ये कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं। तो आप खुद भी सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा मॉडर्न ये फिलॉसफी है। फिर अब इसमें टीचर्स का क्या रोल है, ये बता रहा है कि
इज नॉट टू पोर द रेडीमेड मटेरियल इन द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट. ठीक है, जैसे पहले आपको बता दिया कि बिल्कुल जो एक मेमोराइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस ना हो करके टीचर को एक ऐसा फैसिलिटेटर होना चाहिए, मोटिवेटर होना चाहिए कि बच्चे उसको जब वो चीज़ों को इस तरीके से बच्चे के सामने जो भी नॉलेज है उसको इस टाइप से प्रेजेंट करे कि बच्चे अंदर लिंक्स या फिर आप जैसे क्योंकि आपने पढ़ी होगी मुझे लगता है जो जैसे मैंने ब्रूनर का नाम लिया था, ब्रूनर की जो आपने स्टेजेस देखी होंगी, इनएक्टिव स्टेज, आइकॉनिक स्टेज और आपका जो इस टाइप की स्टेजेस दे रखी हैं सिंबॉलिक स्टेज, तो वहाँ पर क्या कहा है कि जो है इस तरीके से जो भी नॉलेज है उसको इस तरीके से उनके सामने प्रेजेंट करना है इतने सिस्टमैटिक वे में, इतने ज़्यादा क्लासिफिकेशंस के थ्रू कि बच्चा उसको देखते ही चीज़ों को समझ ले. ठीक है, तो मेमोराइज ना करना पड़े बल्कि चीज़ें ऐसी उसके सामने आए कि वो इजीली उसको अपने अंदर जो है आत्मसात कर पाए. रोल ऑफ लर्नर में द लर्नर मस्ट बी गिवन ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग चार्ज ऑफ हिज लर्निंग. He has to construct or discover knowledge and derive meaning of the obtained information through his own initiative and efforts. ठीक है, तो लर्नर का भी यही रोल है कि वो एक्टिव कंस्ट्रक्टर हो नॉलेज का और वो जो है सारी चीज़ों को खुद ही डिस्कवर करे, इन्वेंट करे, नॉलेज को एक्सपेरिमेंट आउट करे. लर्नर्स लर्न बाय एक्सपेरिमेंटेशन एंड नॉट बाय बीइंग टोल्ड व्हाट विल हैपन. ठीक है, वो ये कह रहा है कि वो एक्सपेरिमेंट करके सीखे रादर देन के टीचर बता दे उसको कि अब क्या होगा, अब क्या होगा. तो इस तरीके से लर्निंग नहीं हो सकती. नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, यानी कैसे टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप होंगे, क्या टीचिंग पेडागॉजी वो यूज़ करेगा, तो इसके बारे में है. प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग का यूज़ होगा, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का यूज़ होगा, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, केस बेस्ड लर्निंग, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग, प्रमोट एक्टिव पार्टिसिपेशन द क्लासरूम. यानी जो भी इस टाइप के हम जो भी टीचिंग पेडागॉजी हम यूज़ करेंगे वहाँ पर बस ये है कि बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए क्लासरूम में. हम इस चीज़ को जो है हमें फोकस करना है. फिर क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसी होगी, तो डेमोक्रेटिक होगी. ठीक है, कोलैबोरेटिव अप्रोच को ये यूज़ करने की बात करते हैं कि जो है बच्चे के अंदर जो है कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो, इस टाइप की बातें ये करते हैं. और लर्नर सेंट्रिक होगा, एक्टिविटीज़ आर इंटरैक्टिव एंड स्टूडेंट सेंट्रिक. ठीक है, एक्टिविटीज़ जो होंगी वो इंटरैक्टिव हो और उसके साथ ही साथ लर्नर्स को सेंटर में रख करके ही चीज़ों को उनके सामने प्रेजेंट किया जाए. फिर टीचर फैसिलिटेट्स अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन विच स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड ऑटोनोमस. ठीक है, टीचर को ऐसा फैसिलिटेटर होना चाहिए कि वो जो है स्टूडेंट्स को इनकरेज कर सके, मोटिवेट कर सके. ठीक है, फॉर लर्निंग. और फिर डिसिप्लिन और पावर की बातें करता है कि ये हैंड्स ऑन रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस देना चाहता है बच्चों को. फिर उसके बाद में पोस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ इमर्जिंग रेलेवेंस, यानी उन प्रॉब्लम्स को ये जो है बच्चे के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता है जिनका कोई रेलेवेंस हो. ठीक है, जिनका समसामयिक स्थिति में कोई रेलेवेंस हो, इस टाइप की प्रॉब्लम को पोस्ट करने की बात करता है. फिर लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस, आपको पहले ही बता दिया. नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम एंड शेप्ड बाय एक्सपीरियंसेस. ठीक है, जो भी नॉलेज है वो कंस्ट्रक्ट या शेप होती है थ्रू द एक्सपीरियंस. लर्निंग इज अ पर्सनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड, यानी लर्निंग जो है वो पर्सनल इंटरप्रिटेशन है वर्ड का. ठीक है, लर्निंग हम तभी कर सकते हैं जब हम खुद से चीज़ों को समझ सके. ठीक है, अपनी ही इंटरप्रिटेशंस को हम लर्निंग का नाम यहाँ पर दे रहे हैं. फिर सीक एंड वैल्यू स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, टीचर को ऐसा होना चाहिए कि वो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को ज़्यादा एडमायर करे. फिर सोशल कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्टेक्ट. ठीक है, यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि जो कॉन्टेंट उसके सामने प्रेजेंट किया जाए उसका कुछ सामाजिक संदर्भ भी हो. ठीक है, यानी उसका सोशल रेलेवेंस हो, सोशल वेलफेयर के बारे में वो कंटेंट हो, इस टाइप की बात भी ये करते हैं. फिर प्रिंसिपल्स जो कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग के हैं, तो यहाँ पर बताया गया टीचर्स टास्क इज टू ट्रेन द पीपल टू रिसीव टू परसीव द ऑब्जेक्ट एक्यूरेटली टू द माइंड. वी कैन नॉट निग्लेक्ट द इमेजिंग एंड इंट्यूटिव साइड ऑफ द चाइल्ड. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोमोटिंग क्रीम इन चिल्ड्रेन. यानी यहाँ पर यही बताया गया है कि बच्चे को एक्टिव
एक इंगेजमेंट जो है बच्चे का वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बच्चे के अंदर इमेजिनेशन जो इंट्यूटिव थिंकिंग है उसको प्रमोट करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फिर बेनिफिट्स क्या है कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग के, तो इसके थ्रू हम क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी को ये प्रमोट करता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करता है, तो ये सारी चीज़ें या फिर कॉन्फिडेंस है ये सब बूस्टअप करना, फिर कोलैबोरेटिव लर्निंग अभी मैंने आपको बताई ही थी, फिर इसके बाद में बच्चे की जो मेमोराइजेशन की स्किल्स है, जो मेमोरी स्किल्स हैं, कैसे वो अंडरस्टैंड करता है, कैसे वो थिंक करता है, इन सब चीज़ों को ये जो है कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर्स हैं वो इसी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। फिर इंगेजिंग द क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स, कंस्ट्रक्टिविज्म प्रमोट सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी ये फोकस करता है, यानी ओवरऑल पर्सनालिटी के डेवलपमेंट से लेकर के साइंटिफिक टेम्परमेंट देना, ये सारी चीज़ों को ही अपने साथ लेकर के चलता है। फिर ये आपको एक डिफरेंशिएशन भी दे रखा है कि ट्रेडिशनल क्लासरूम कैसे होंगे, वहाँ पर रोट मेमोराइजेशन होगा, यहाँ एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, वहाँ पर टेक्स्ट बुक और वर्कबुक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, और यहाँ पर सिर्फ इंटरैक्शन पर, इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ पर, एक्टिव पार्टिसिपेशन पर फोकस है, यहाँ पर डायरेक्टिव और मतलब जो भी टीचर है वो जो है एज अ जो है डायरेक्टिव या अथॉरिटेटिव रोल में है, और यहाँ पर आप देख लीजिए कि इंस्ट्रक्टर इंटरैक्ट कर रहा है, उसे वो उस तरीके का उसका अथॉरिटेटिव रोल नहीं है बल्कि एक डेमोक्रेटिक जो है एनवायरनमेंट को ये फोकस कर रहा है। फिर असेसमेंट वाया टेस्टिंग और करेक्ट आंसर्स, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ असेसमेंट उस टाइप का ट्रेडिशनल असेसमेंट होता था, यहाँ पर क्या है नए नए प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, उनके थ्रू बच्चा और भी अपनी जो जो इंट्रेंसिंग स्किल्स है उसको और भी ज़्यादा इन्हांस कर सकता है। फिर यहाँ पर बच्चे इंडिविजुअली काम करते थे, यहाँ पर ग्रुप में काम करते, तो इस टाइप से एक डिफरेंशिएशन दे रखा है। फिर स्ट्रेंथ क्या है कंस्ट्रक्टिविज्म को की, तो आप जैसे सुन ही रहे होंगे तो उससे आपको पता चल रहा होगा कि काफी मॉडर्न फिलॉसफी है जिसमें जो है चिल्ड्रन बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से, इंजॉयबल तरीके से, ठीक है, चीजों को लर्न कर पाएंगे और एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होगा। फिर थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रादर देन ऑन रोट मेमोरी को बिल्कुल भी ये क्रिटिसाइज करते हैं, यानी आपका जो आइडियलिज्म है उसका समझ लीजिए एकदम एंटीथीसिस है ये। कंस्ट्रक्टिविज्म कंसंट्रेट्स ऑन लर्निंग हाउ टू थिंक एंड अंडरस्टैंड, फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग इज ट्रांसफरेबल, ठीक है, ट्रांसफरेबल का मतलब क्या है कि आपने एक सिचुएशन में जो चीज़ सीखी एक्सपेरिमेंट करके उसको आप दूसरी सिचुएशन में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कोई भी नॉलेज आपने वहाँ से गेन किया, आपने कोई मान लीजिए कुछ ऐसा किया जो गलत हुआ, उसको आपने फिर उसके सीखा कि इसको मैं कैसे सही कर सकता हूँ, उसको दूसरी भी सिचुएशन में आप ट्रांसफर आउट कर सकते हैं, तो ये है। कंस्ट्रक्टिविज्म गिव स्टूडेंट्स ओनरशिप ऑफ व्हाट दे लर्न सिंस लर्निंग इज बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स क्वेश्चंस एंड एक्सप्लोरेशन, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म यही कहता है कि कैसे जो है स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं और जो उनका एक्सप्लोरेशन है उस पर कैसे जो है उनकी ओनरशिप दिलाई जा सके, एंड ऑफन द स्टूडेंट्स हैव अ हैंड इन डिजाइनिंग द असेसमेंट एज वेल, और ये भी कहता है कि वो अपना इवेल्युएशन भी खुद से कर सके जिससे कि वो इंट्रेंसिकली मोटिवेट हो सके, ठीक है, और अगर मान लीजिए उनके अंदर कोई ऐसी वीकनेसेस हैं जो नहीं कर पा रहे हैं उनको भी वो खुद से समझ सके, क्योंकि सेल्फ ऑब्जर्वेशन आप खुद भी जानते होंगे कि सबसे बढ़िया होता है, ठीक है, आपको हो सकता है आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो सिर्फ आपको पता है, ठीक है, तो आप उसका असेसमेंट खुद से ही कर सकते हैं, आप दूसरे से अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो आपको बताएगा कि आपकी ये कमी आप इसको दूर कीजिए, तो ये है। कंस्ट्रक्टिविज्म प्रमोट सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स बाय क्रिएटिंग अ क्लासरूम एनवायरनमेंट दैट एम्फसाइजेस कोलैबोरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, यानी ये कहते हैं कि कोलैबोरेटिव अप्रोच को फोकस करना चाहिए जिसमें हम कोऑपरेटिवली सबके साथ मिल करके चीज़ों को समझ सकें। फिर इसके जो वीकनेसेस हैं, अब जैसे आपने इवैल्यूएशन का देखा कि वो खुद से कहते हैं कि बच्चा इवैल्यूएट करे, तो वो एक ट्रिकी टास्क है,
ठीक है, फिर उस टाइप का एक टीचर को भी तैयार करना जो इस टाइप से एकदम सिंपल वे में जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें उनको सिंपल वे में उनके सामने प्रेजेंट कर सके, तो ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है। तो इस टाइप की चीज़ों को ये वीकनेस मानते हैं। ये देखिए फिर यहाँ पर जो एक समरी दे रखी है उसको देख लीजिए, शिफ्ट एम्फसाइज फ्रॉम टीचिंग टू लर्निंग, ठीक है, यानी ये एक एक्टिव लर्निंग के प्रमोटर हैं। इंडिविजुअलाइजेज एंड कॉन्टेक्चुअलाइजेज स्टूडेंट्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है, यानी ये यही कहते हैं कि एक इंडिविजुअलिस्टिक जो है चीज़ों को बच्चों को समझाना चाहिए, इंडिविजुअलिस्टिक तरीके से बच्चों को चीज़ों को समझाना चाहिए, क्योंकि सबके इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उनके साथ वो बच्चे उस क्लासरूम में आए हुए हैं। और ये जो स्टूडेंट का समझ लीजिए जो साइकोलॉजिकल डोमेन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है कि उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका मोटिवेशन क्या है, उसको कैसे हम और भी ज़्यादा पॉलिश अप कर सकते हैं, तो उन सब चीज़ों पर ये फोकस करते हैं। स्टूडेंट का क्या लर्निंग स्टाइल है उसके ऊपर ये फोकस करते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। अब हम आज ही कनेक्शनिज्म भी पढ़ लेंगे, क्योंकि कनेक्शनिज्म भी बहुत ही शॉर्ट एक फिलॉसफी है। आपने थॉर्नडाइक जी का नाम सुना होगा, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, जो 1874 में जिनका जन्म हुआ था और इनकी 1949 में मृत्यु हो गई थी। तो इन्होंने आप थॉर्नडाइक की आपने कैट वाला एक्सपेरिमेंट पूरा पढ़ा होगा, तो इन्होंने क्या है ये देखिए, इन्होंने अपना एनिमल इंटेलिजेंस पे एक समझ लीजिए डिसर्टेशन वर्क किया था जो इतना ज़्यादा फेमस हो गया, जिसको हम आज तक पढ़ते हैं। और इन्हीं के अभी मैं इसके लॉ के बारे ये देखिए, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक कनेक्शनिज्म थ्योरी गेव अस द ओरिजिनल SR फ्रेमवर्क। इन्होंने बात की कि कनेक्शंस कैसे बनते हैं, ठीक है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात इन्होंने कही थी। इनका पूरा आपने एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि कैसे कैसे स्टिमुलस दिया, उसका क्या क्या रिस्पॉन्स हुआ। तो ही एक्सप्लेन दैट लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशंस, ठीक है, इन्होंने कहा कि जो लर्निंग है वो एसोसिएशंस का जो है एक रिजल्ट है, फॉर्मिंग बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्सेज, जो भी स्टिमुलस हैं और जो रिस्पॉन्सेज हैं उन्हीं के एसोसिएशन से ये लर्निंग होती है। द मॉडल ऑफ और SR थ्योरी वॉज ट्रायल एंड एरर, ठीक है, बिल्ली का आपने देखा होगा, ट्रायल एंड एरर लर्निंग आपने साइकोलॉजी में पढ़ी होगी, इन विच सर्टन रिस्पॉन्सेज केम टू बी रिपीटेड देन अदर्स बिकॉज ऑफ रिवॉर्ड्स, ठीक है, जैसे उस बच्चे उस बिल्ली को जैसे ही खाना मिल जाता है तो वो उसके लिए रिवॉर्ड का काम करता है, और वो उसी जो वो ट्रायल एरर लर्निंग में वो जो चीज़ नहीं मतलब जिस चीज़ के थ्रू वो खाना मिला वो उसी चीज़ को फिर से वही चीज़ करती है जिससे कि उसको नेक्स्ट टाइम भी रिवॉर्ड मिले। तो इसमें इन्होंने तीन लॉज बताए थे, तीन इनके प्राइमरी लॉज थे, बाकी इनके सब्सिडरी लॉज भी थे। तो प्राइमरी लॉज में इनका सबसे पहले लॉ ऑफ रेडीनेस, फिर एक्सरसाइज और इफेक्ट, और इसी लॉ ऑफ इफेक्ट से इतनी बड़ी बिहेवियरिज्म की थ्योरी बनाई गई जिसमें इतने ज़्यादा रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात करके ये बनाई गई थी, ठीक है। फिर प्रिंसिपल्स कुछ इनके हैं जो थॉर्नडाइक के कनेक्शनिज्म से डिराइव किए गए हैं। लर्निंग रिक्वायर्स बोथ प्रैक्टिस एंड रिवॉर्ड्स, यानी लॉ ऑफ इफेक्ट और एक्सरसाइज, ठीक है। लर्निंग के लिए इन्होंने बताया कि दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस की भी और रिवॉर्ड्स की भी। फिर अ सीरीज ऑफ SR कनेक्शंस कैन बी चेंड टुगेदर इफ दे बिलोंग टू द सेम एक्शन और सीक्वेंस, ठीक है, यानी जो SR कनेक्शंस की जो सीरीज बनती है, ठीक है, उनको हम चेन अप कर सकते हैं जब वही सेम एक्शन हम करेंगे, ठीक है। वही रेडीनेस की बात है कि जैसे ही उस बच्चे उस बिल्ली को खाना मिल गया तो उसको पता है कि अब मुझे नेक्स्ट टाइम क्या करना है, कौन सा बटन पुश करना है जिससे कि वो डोर ओपन होगा और मुझे खाना मिलेगा, ठीक है, वो केज ओपन होगा और मुझे खाना मिलेगा। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग अकर्स बिकॉज ऑफ प्रीवियसली एनकाउंटर्ड सिचुएशंस, ठीक है, और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की भी बात इन्होंने कही थी, जीरो ट्रांसफर, पॉजिटिव नेगेटिव ट्रांसफर, तो उसमें भी ये कहते हैं कि ये प्रीवियसली जो सिचुएशंस जो हम टैकल करते हैं उसी के थ्रू हमें ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है। इंटेलिजेंस इज अ फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ कनेक्शंस लर्न, जितने ज़्यादा कनेक्शंस मतलब जितने ज़्यादा हमारे दिमाग में जो एसोसिएशंस ये सब जो बन जाएंगे, कनेक्शंस जो बन जाएंगे, उसी से ज़्यादा उसी से इंटेलिजेंस जो है प्रमोट होगी। तो इस तरीके से आज आपका ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म है और कनेक्शनिज्म है उसको मैंने आपके समक्ष समाप्त कर दिया। अब यूनिट 2 हमारी ख़त्म हो गई है, हम यूनिट 3 पे बात करेंगे।
इससे जुड़े जो भी समस्याएं हैं आपको, आप मुझे चैट बॉक्स में या यहाँ विश्वविद्यालय आकर के भी आप अपनी क्वेरीज को शांत कर सकते हैं। धन्यवाद।